जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, क्वाड्री लेटर, जिसको हम बोलते हैं चतुर। सर इसकी स्पेलिंग बता दो सर, समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। क्वाड्री लेटर, अब मैं दोबारा लिखता हूँ। अब इसको, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ए क्लोज्ड फिगर। बाउंडेड बाय फोर साइड्स, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब ठीक है बेटा, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, दिशा बोल रही है, दिशा इंग्लिश मीडियम दे। यस सर, इंग्लिश मीडियम ले रही है हिंदी सर, मैं दोनों ही पढ़ रही हूँ। स्कूल में क्या मिल रहा था ना सर, स्कूल में सर सर हिंदी में पढ़ावे, इंग्लिश में तो सर एक आधी भी पढ़ा देना, तो हिंदी में पढ़ावे। अच्छा और यस ताई तन बताई क्या सर, यस को बताया था ना? नो सर, ये लड़ाई में चली गई। हाय, क्या सर लड़ाई तो ना मच रही थरी? नो सर, अरे बोल चाल ना हो। ठीक है बेटा, देखो ए बी बी सी सी डी डी, हाँ ये क्या है, भुजाएं हैं, साइड हैं, ठीक है, और इनको मिलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण कौन 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 से हैं, ए सी और बी डी, अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, डायगनल, क्या बोलते हैं, डायगनल। और क्वाड्रिलेटरल के उदाहरण है तुम्हारे पास, घर पे देखिए क्वाड्रिलेटरल। हैं, मेज देखी होगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तीन सौ साठ डिग्री। ये सारी बातें हैं ना बेटा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमने लिखनी है, हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें पैरेललोग्राम। अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार। तो सबसे पहले है समचतुर्भुज, क्या होती है समचतुर्भुज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रोम्बस। समचतुर्भुज की कंसेप्ट डेफिनेशन क्या है बेटा,
जैसा मुख बुझ जाए सर, समलम, समांतर समलम नहीं होती है है। बेटा, ये समलम नहीं है, ये समचतुर्भुज है, रोम्बस, एक क्वाड्रिलेटरल। सर इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग, जब नाम हो गया सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान हो, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल, इज कॉल्ड रोम्बस। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक, इसकी शक्ल होती है ये, और जब ये खड़ी हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसके डायगोनल 90 पे काटते हैं, इसकी खास बात ये है। स्क्वेयर क्या होता है? या स्क्वेयर में कब? भुजाएं बराबर होती है और सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, चारों तो इसी में हो जाएगी। वैन एवरी एंगल ऑफ रोम्बस इज 90, तो क्या हो जाएगी? ये स्क्वेयर हो जाएगी। इसमें चारों तो भुजाएं समान, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और इसके ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो डायगनल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या था रोम्बस में? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है बेटा? हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सर उनके बीच की दूरी समान होती है। पैरल की यही डेफिनेशन है बेटा। और सर आमने सामने की भुजाएं भी समान होती है। वो अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? पैरल हो, ए बी पैरल है सी डी के, और ए डी किसके पैरल हो? बी सी के। ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरल हो, तो क्या हो जाएगी? वो पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने की भुजाएं क्या हों बेटा? बराबर हों, तो उसको क्या बोलते हैं? आमने सामने की भुजाएं पैरेललोग्राम, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर हों। और ये बराबर, ये एडिशनल प्रॉपर्टी इसकी, ए बी किसके बराबर होता है? सी डी के, और ए डी किसके बराबर होता है? यहाँ पे बी सी के। उसी तरह से ये खड़ी हो जाएगी, अभी तो ये झुकी हुई है, खड़ी हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयत, रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे? आयत। तो इसकी खासियत क्या है बेटा? ए बी बराबर है सी डी, और ए डी बराबर है बी सी, और ये विकर्ण भी बराबर होंगे इसके, ए सी इज इक्वल टू बी डी।
जैसे रोम बस खड़ी होगी तो स्क्वेयर बन गया, समानांतर चतुर्भुज खड़ी होगी तो क्या बन गया, आयत बन गई। अब है समलंब, जिसका एक गुड़िया जिक्रा करी थी, समलंब इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, और पैरेलल दोनों नहीं, एक जोड़ा। यहाँ पे जैसे ए बी और सी डी है, तो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, यो जोड़ा पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये समलंब होगी, सम ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। और एक रहेगा काइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पतंग। इसकी पहचान क्या होती है? एडजेसेंट साइड सारी को, क्या होता है एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट, पेयर ऑफ और इक्वल। पतंग की शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है ना? यस सर। ये ऐसे काटते हैं तो ये पेयर बराबर होते हैं बेटा। ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये तो बताए मैंने चतुर्भुज कितने प्रकार की होती हैं, ये याद रखनी है। स्क्वायर है तो क्या है, पैरेललोग्राम है तो क्या है। सर हाँ सर, सिक्स्थ वाला लिखा नहीं सर, एक बार देखा दो। ये मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, उसमें से लिखना, साथ साथ मत लिखा रहो, समझ नहीं आओगा फिर। अब हम लिखेंगे बेटा जो हमने पढ़ना है इस सिलेबस में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज के गुण, पहली प्रॉपर्टी। ये कहता है किसी भी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुजों में सर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, पिक्चर बनाइए ना बेटा, दिखेगी। करता है या करती है? ठीक है, दिख जाएगी बेटा, कार्तिक चिंता मत करे। हर्षित बोल रहा है, कार्तिक बोल रहा है सर, हर्षित बोल रहा हूँ। ये यूं कहना चाहता है बेटा, जैसे ये मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज है, तो ये एक डायगोनल है ना, ये इसको दो त्रिभुजों में बांटता है, और ये क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको हम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। समभुजाएं बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो बराबर होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ए बी तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, चार होगी ना पांचवी प्रॉपर्टी, एक दो तीन होगी चौथी। ये कहता है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो क्या होती है, वो समानांतर चतुर्भुज होती है। ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसकी पास। हाँ, एक खास प्रॉपर्टी, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। क्या कहना चाहता है, ये मान लेते हैं ये है, ये ओ है ना, तो क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर है ओ ए और ओ बी बराबर है ओ डी। यो तो इसका आधा कर देगा, यो इसका आधा कर देगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज देख लो बेटा, उदाहरण कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एक्सरसाइज देखो, चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं, उनका अनुपात है, फर्स्ट क्वेश्चन। के कोणों का अनुपात वो है बेटा 3:5:9:13। तो कहता है कोण बताओ, तो एक कोण क्या हो जाएगा, 3 के मैंने बताया था अनुपात हो तो उनको ऐसे ले लिया, और एक 5 के, दूसरा क्या हो जाएगा 9 के, और ये क्या हो जाएगा 13 के, 13 के, इनका जोड़ कितना है, कितना होगा बेटा 360, क्योंकि त्रिभुज वो सम चतुर्भुज या चतुर्भुज के कोणों का योग क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। 360 इन्हें जोड़ ले, 5 और 3 8 9 8 17 और 13 30 के बराबर 360 के कितना होगा, 360/30 के कितना होगा 12। अब 12 यहाँ 12 3 कितना होगा 36,
बारह पंजे 60, 12 नीमा 108, और 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 12 तीये 36, 156, ये आंसर होगा। दूसरा प्रश्न सर दोबारा समझा दो। ये बेटा कोणों का अनुपात दे रखा था, एंगल्स का रेशियो, 3:5:9:13, तो कहता है कोण बताओ। तो जब रेशियो में हो ना कितने भी कोई भी चीज़, तो उनको के से गुणा कर लिया रहो, तो 3K 5K 9K और क्या हो जाएंगे, 13K, 13K, नाइन का जोड़ कितना हो गया, 360, 30 है, तो इधर हो गया 30K, 30K इज इक्वल टू 360, के कितना देगा 12 की वैल्यू, 12 3 36, 12 5 60, ऐसे कर दिया होगा। समझ आ गई होगी बात। यस सर, यस। दूसरा, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो ये बताओ कि आयत है। यस सर। ये कहता है कोई इसने समानांतर चतुर्भुज दे रखे ए बी सी डी, और ये कह दिया इसके ये बराबर हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी है, तो ये आयत होगी। सर बी डी इक्वल टू ए सी ए, ये आयत कैसे होगी? सर आमने सामने की बजाय समान है, और सर एक दूसरे के विकर्ण हाँ। समद्विभाजित करते हैं, उससे क्या होगा बेटा, कौन हमने 90 डिग्री का दिखाना है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, कोण ए और कोण डी इनको बराबर भी दिखा देंगे, और इनका जोड़ भी कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180, इनका 180 जोड़ क्योंकि सर ये एक ही तरह अंत कोणों का योग है, ये पैरेलल है ना, ये इसमें गिवन क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी समानांतर है सी डी के, और ए डी समानांतर है बी सी के, ठीक है। और अब प्रूफ देंगे हम, टू प्रूफ, कोण ए बराबर 90 प्रूफ, इन ट्राइंगल, एक तो ये ले लो बेटा ए डी बी, एंड ट्राइंगल एक ले लो ए डी सी, क्या क्या बराबर है देखो, ए बी बराबर सी डी है, अपोजिट साइड नहीं है, और ए डी बराबर ए डी कॉमन, सर इसमें डी ए बराबर है सी डी, और ए सी बराबर बी डी, क्योंकि डायगोनल हो गए दे रखे है, तो तीनों साइड बराबर होने के बाद क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, और दोनों का जोड़ कितना है 180, तो बराबर भी हैं, तो एंगल ए जमा एंगल ए कितना हो जाएगा 180, 2 times ऑफ एंगल ए 180, एंगल ए कितना हो जाएगा 180/2, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ऐसे सारे 90 90 के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तुमने करने हैं, और मैं जो है इनके जो अब आगे एक इम्पोर्टेंट है बेटा, कल पेपर है ना थारा, तो मिड पॉइंट थ्योरम है वो कराता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। सर हमारा एग्जाम ऑफलाइन है ना सर? हाँ ऑफलाइन है। तो बाकी के जो सवाल है ना, कोई समझ में ना हो तो पूछ लेना बेटा पेपर से पहले, मैं एक आधा घंटा वहाँ भी क्लास लूंगा, ठीक है ना सर? 8:30 आ सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, कल 8:30 ही आना सब।
अब बेटा देखो सु ये जो है अब ठीक है सर। है मिड पॉइंट सॉन्ग। जिसको हम बोलते हैं मध्य, बिंदु प्रमेय, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है ये कहता है इफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ज्वाइंट देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। हिंदी में क्या कहेंगे? यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो यह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है। उसका आधा क्या कहना चाहता है ये समझ लो बात। ये त्रिभुज है ठीक है, ये मध्य बिंदु मिला दिए डी और सर। ई। डी भी मध्य बिंदु है, ई भी मध्य। तो क्या होगा? डी ई पहली बात तो समानांतर होगी किसके? बी सी के। और डी ई और क्या होगी? आधी होगी किसकी? बी सी की। ये कहना चाहता है कोई भी त्रिभुज ले लो किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, मिलाने वाली रेखा इसके तो आधार के इसके तो समानांतर होगी और या चार है तो या दो होगी या छह है तो या कितनी होगी? तीन होगी, आधी होगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, तो इसके उदाहरण देखने तुमने, और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ एक, वो तुम देख लेना, बाकी कुल स्कूल में कराएंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे परेशान कर। यहाँ कहता है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो यहाँ कहता है पी क्यू आर एस उनके मिड पॉइंट है। पी इसका है, क्यू इसका है, आर इसका है, एस इसका है। तो कहता है एस आर ये समानांतर हो गए सी के, और एस आर आधी भी होगी इसके, और पी क्यू आर एस क्या बनेगी? एक समानांतर चतुर्भुज भी बन जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, त्रिभुज डी ए सी में एस और आर इसके मध्य बिंदु हो गए ना। एस तो किसका मध्य बिंदु है? ए डी का। और आर किसका है बेटा? सी डी का। एस मध्य बिंदु है किसका? ए डी का। और आर किसका है? मध्य बिंदु। सर डीसी का तो मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती सर है?
मध्य बिंदु प्रमेय। अनुसार क्या हो जाएगा? एस आर समानांतर हो जाएगी इसी के, ठीक है ना? ये एस आर किसके समानांतर हो जाएगी? इसी के। और एस आर क्या हो जाएगी? आधी भी हो जाएगी इसी के। ऐसे ही इक्विलेंटली, इसको बोलते हैं इक्विलेंटली। पी भी मध्य बिंदु है, क्यू भी मध्य बिंदु है, हैं तो पी क्यू किसके समानांतर हो जाएगी? एसी के। पी क्यू समानांतर है एसी के, और पी क्यू क्या हो जाएगी? आधी भी हो जाएगी एसी के। पी क्यू समानांतर है एसी के और एस आर समानांतर है एसी के, तो आपस में भी समानांतर होंगी। इसी तरह से पी एस किसके समानांतर हो जाएगी? क्यू आर के। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगी? एक सर मिड पॉइंट, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगी, क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या होगी? ये तो इसके पैरेलल आ गई, और ये किसके पैरेलल आ गई? इसके आ गई। तो ये क्या होगी? एक पैरेलल हो जाएगी। समझ आ रही बात? फिर देख लो एक बार, एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु हैं, तो ये कहता है पी क्यू आर एक्स एक्स समानांतर चतुर्भुज होगी, और एस आर जो है वो एसी का आधा भी होगा, पी क्यू भी एसी का आधा होगा, और ये भी बराबर भी होंगे। तो वही बात है कि एस और आर मध्य बिंदु थे ना इस त्रिभुज में, तो मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है? मध्य जो मिलाने वाली है वो तीसरी के क्या होगी? समानांतर, और इस एसी का आधा भी होगी। ऐसे हमने त्रिभुज ये ले ली, पी क्यू क्या हो जाएगा? समानांतर भी हो जाएगी एसी के, क्योंकि पी भी मध्य बिंदु है और क्यू भी मध्य बिंदु, त्रिभुज कौन सा है? वो बी ए सी। समझ आ रही बात? तो पी क्यू किसके समानांतर हो गया? एसी के। तो पी क्यू ए सी के समानांतर है, एस आर भी ए सी के समानांतर है, तो आपस में भी क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो एस आर समानांतर हो गए पी क्यू के। ऐसा ही यो प्रोग्राम हम बी डी को मिला के ऐसे भी चला सकते हैं ना। एस पी किसके समानांतर आ जाएगा? बी डी के। आर क्यू किसके आ जाएगा? बी डी के। तो आर क्यू और एस पी भी क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो जब आमने सामने की भुजाएं समानांतर आने लग रही हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? वो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यही हमने सिद्ध करना है, ठीक है ना? पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। तो बेटा इसके कल क्वेश्चन में कुछ कराऊंगा, हैं स्कूल में दोबारा बता दूंगा। हाँ आज इतना ही कराएंगे बेटा, ठीक है ना? क्योंकि अभी इसका टाइम 40 मिनट भी होने हो रहे हैं, तो yes, कल मैं पहले एक घंटा पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हें जो है आगे कराऊंगा, ठीक है? अब yes, इतना ही काम कर लेना, जो मैंने ये लिखवाए हैं ना इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू।